गाइस, आज की वीडियो में होने वाले हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से समर टॉप्स, कोरियन स्टाइल वाले फ्रॉम मीशो। भाई साहब 11-12 टॉप है ये इतने से, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चोहिती गीमा आशी, लेके आ गई हूँ गर्मियों के प्यारे प्यारे से समर टॉप्स फ्रॉम मीशो। और आज की वीडियो में 10 से 11 12 टॉप होने वाले हैं। टैंक टॉप्स, क्रॉप टॉप्स, जितने भी टॉप मुझे दिख रहे थे और जो मैंने कोरियन कैटेगरी में ढूंढे हैं वो वाले टॉप्स। तो मैं आज की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने ना बहुत कुछ समर वाली शॉपिंग की है मीशो से, तो लाइन से मेरी वीडियोस भी आ ही रही हैं, आती रहेंगी और मज़ा आ रहा है मुझे ये वीडियोस करने में। बाकी अभी की आउटफिट की बात करूँ, जीन्स मैंने पहनी है अर्बैनिक से, अंदर ब्लैक कलर का टैंक टॉप पहना है मेरा बहुत पुराना पता नहीं कहाँ से, और ये वाला जो मैंने क्रॉप टॉप है ये थोड़ा अलग सा डिफरेंस सा, देख सकते हो कलर कितना प्यारा है। ये मैंने लिया था मिंत्रा से, और जिस ब्रांड से लिया था वो था हर्शीन बॉक्स, वहाँ से मैंने लिया था। बहुत क्यूट सा इसका फैब्रिक है और इसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अंदर ब्लैक टैंक टॉप पहन के, ये पहन के लूज जॉगर पहन के डांस वीडियोज़ बना सकती हूँ, मैंने इसलिए लिया था। तो ये हो गई आज की आउटफिट डिटेल्स, और मैं आज का प्राइस रेंज भी बता देती हूँ कि मेरे आज के जितने भी टॉप होने वाले हैं वो किस प्राइस रेंज में रहेंगे। मिनिमम हमारा है 111 एंड जो मैक्सिमम है हमारा वो है 400 के अराउंड, मतलब आज के सारे टॉप भी अंडर 500 होने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे रहते हैं। और मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ, काफ़ी कुछ टॉप और कलर्स और स्टाइल मैंने अपने नीड के अकॉर्डिंग भी मंगाए हैं कि मैं इसको फलाने फलाने तरीके से स्टाइल कर पाऊँ। तो बाकी आप पूरी वीडियो देखना, जब जो टॉप आएगा तो मैं बता दूंगी इसको मैंने क्यों मंगाया, क्या सोच के मंगाया। तो चलो दिखाती हूँ, सबसे पहला टॉप कोरियन हॉल है तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले प्यारे से कोरियन क्रॉप टॉप टी शर्ट के साथ आप देख सकते हो, इसमें तीन प्यारे प्यारे से पांडा और बियर बने हुए हैं, कलर आप देख सकते हो इसमें चार कलर के ऑप्शंस हैं। ये सबसे सस्ता 111, ठीक है, 111 रुपए का ये क्रॉप टॉप था। मैंने ये बेबी पिंक कलर मंगाया, आप देख सकते हो ये है मेरे हाथ में, और साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया तो मुझे स्मॉल ही रिसीव हुआ है। गाइस, इसमें प्रिंट तो एग्जैक्टली सेम हुआ हुआ है, ठीक है, प्रिंट वाली चीज़ की क्वालिटी इट्स ओके, कॉलर इज़ ओके, बहुत ही पतला टाइप का कपड़ा है आप देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि इसके आर्म्स, ये लोग ना क्रॉप टॉप या फिर ओवरसाइज चीज़ों में ना फिटिंग नहीं अच्छी दे पाते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट भी जो भी ओवरसाइज टी शर्ट का हॉल किया था ना बहुत पहले, तो भी ना ओवरसाइज के नाम पे वो ना लंबा बना देते हैं कि आप उसे एज अ कुर्ती स्टाइल में पहन पाओ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आप समझ सकते हो, सेम ऐसे ही मुझे इसके साथ लग रहा है। ये कुर्ती स्टाइल वाली चीज़ तो नहीं लग रही, लेकिन ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि जहाँ से मैंने ये पहनी है, तो आप देख सकते हो इसकी ये स्लीव्स कितनी ढीली है, ये चीज़ ढीली ही ज्वाइन हुई हुई है यहाँ से। अच्छा हुआ मैं कुछ ऐसा पहन के बैठूंगी, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और अब जब आप इसको देखोगे ना, तो आप इसकी स्लीव्स देखो, स्लीव्स की इन्होंने जो सिलाई दी है ना वो फिटिंग वाली सिलाई दे दी है भाई, ये देखो यहाँ से कैसे आएगा, ये यहाँ से बिल्कुल ऐसा फिटेड टाइट और यहाँ से ढीला, कितना बुरा लगेगा। मतलब सब कुछ सही था कि इस रेट वाइज, प्रिंट वाइज, लुक वाइज सब कुछ आपने अच्छा किया है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टिचिंग में ध्यान देना चाहिए था। मतलब इसके, मतलब ये जो भी आपका टेलर होगा या जो भी कुछ, वरना तो ये बहुत बुरी लगेगी पहन के, या तो मुझे शायद अभी ऐसा लग रहा है पहन के ना लगे, मैं इसको पहन के ही कुछ अच्छे से पहले बता पाऊँगी। बाकी आप देख सकते हो अंदर से क्या इसका फैब्रिक है, ठीक है, ये प्रिंट पूरा हुआ हुआ मैं दिखा तो दूँ, ठीक है, बैक से बिल्कुल कैसा है 111 रुपए के हिसाब से। अब मैं इसको फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ। वड़ा फिटिंग, वड़ा फिटिंग, वड़ा सेक्सी फिटिंग, ज़रा देखो क्या फिट आ रहा है इसका, कितना गंदा, कितना भाई यार, कितनी टाइट यहाँ इसकी सिलाई, और क्या इसकी लेंथ है, मतलब तुम यार दे भी रहे हो, थोड़ा सा कपड़ा ढीला छोड़ दो भाई। मतलब अगर मैं एक्सल साइज़ भी चली जाऊँगी ना, मुझे सब तरफ से फिट है, यहाँ से लुक बहुत सही है, लेकिन ये क्या सिलाई दिया भाई तुमने, अब एक नो, नेक्स्ट देखती हूँ, हे भगवान। नेक्स्ट कोरियन की फिर से बात की जाए तो आपको पता है आजकल बोस कितनी ज़्यादा इन है, रिबन में बोस लगा लेते हैं, रिबन बोस लोग सर में लगा लेते हैं एज अ हेयर स्टाइल, चोकर्स में भी चल रही हैं, टॉप में भी चल रही हैं, जीन्स में भी चल रही हैं, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इन है। और मैंने भी बहुत सारे रिबन ऑर्डर किए हैं पतले पतले वाले, आप जल्दी मुझे भी ऐसे ऐसे ना यहाँ पे पूरे
रिबन लगाई हुई चोटी में देखोगे। मेरा मन था कि मैं आज भी ना कुछ ऐसे लगा के बैठूं, लेकिन वो इस टॉप पे नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सिंपल ही बैठते हैं पोनी बना के। आप टॉप देखो, ये व्हाइट कलर का टॉप है, 282 रुपीस का। इसमें आप देख सकते हो बो बने हुए हैं। इसमें ना तीन कलर के ऑप्शन है, व्हाइट, ब्लैक एंड पीच। मैंने व्हाइट एंड ब्लैक मंगाया है। अब देखते हैं 280 रुपए के हिसाब से क्या फैब्रिक है, क्या लुक है। काफ़ी स्ट्रेचेबल फैब्रिक लग रहा है गाइस, मैं आपको दिखाऊँ। इसकी बहुत तो टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है, देख सकते हो ये टॉप है और ये कितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल टॉप है भाई। ये कौन सा फैब्रिक है जो इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, फैल के नहीं इसकी शेप ही ना बिगड़ जाए। आप नेक भी देख सकते हो इसका कैसा नेक है, साइड में पूरी ऐसे ब्लैक पाइपिंग है, फ्रंट में बैक से आप देख सकते हो कैसा ये टॉप है। गाइस ये ना मुझे ओकेइश लग रहा है, मतलब 280 रुपये के हिसाब से ये टॉप मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अगर ये 180-200 रुपए का होता ना तो भी डाइजेस्ट हो पाता, 280 मतलब 100 रुपए ज़्यादा इसकी कॉस्ट मुझे लग रही है। पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे फैब्रिक कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। अब क्या पता ये मुझे अभी छूने में ऐसा लग रहा है, पहन के इसका फिट अच्छा है और बहुत क्यूट लगे तब तो पूरे 280 रुपए वर्थ इट हैं। थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ, पहले पहनती हूँ फिर पूरे रिव्यूज़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को कोरियन बनाना होता है तो उसमें आप उठा के बो लगा दो, वो चीज़ आपकी कोरियन बन जाती है। क्योंकि आजकल बोज इतने ट्रेंड में है, कोरियन ही ट्रेंड है, क्या बताऊँ कोरियन ट्रेंड में मुझे ना वो समझ नहीं आ रहा यार। बाकी आप बताओ टॉप आपको देखने में कैसा लग रहा है। मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने ब्लैक कलर मंगाया होता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता, कि ब्लैक कलर पे वाइट बोज लगी होती या फिर इस पे ना ब्लैक कलर की बो लगी होती, ब्लैक कलर के रिबन लगे होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है पिक्चर में वाइट पे वाइट बो है या ब्लैक बो है। मेरे हिसाब से तो ब्लैक होनी चाहिए थी, लेकिन एनीवेज फैब्रिक इज़ नाइस। मुझे देख सकते हो कि आप कैसा फिटिंग आई है, थोड़ा इसका जो नेक है वो काइंड ऑफ ऑफ शोल्डर में आपको आएगा, स्लीव्स की लेंथ आप देख सकते हो, बैक से भी आप देख सकते हो आपको कहाँ तक की इसकी फिटिंग आएगी, कैसी इसकी फिटिंग आएगी, बोज आप देख सकते हो। और वैसे मुझे क्यूट लग रहा है, फैब्रिक वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्यारा सा टॉप तो मुझे लग ही रहा है। बस हो सकेगा तो मैं खुद इसके रिबन चेंज करके ब्लैक लगा लूँगी। चलो एनीवेज अच्छा लगा, थम्स अप। नेक्स्ट जो हमारा टॉप है ना वो मुझे बहुत ही क्यूट लगा। पिक्चर में देखो अंदर एक और टॉप था लाइक वाइट सा टी शर्ट टाइप, उसके ऊपर ये टॉप सा था, इसमें फ्लावर प्रिंट थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था गाइजे। और इसमें दो कलर के ऑप्शन है, थोड़ा सा पिंकिश और थोड़ा सा ये वाइटिश किया, तो मैंने पिंकिश मंगाया है और ये 276 रुपीज़ का मुझे टॉप पड़ा है। अब देखते हैं कि ये आया कैसा है इन एक्चुअल में। देखो कितना क्यूट लग रहा है ये। सी गाइज पहले मुझे लग रहा था कि ये चीज़ ना बिल्कुल अलग से ऊपर से पहनने का होगा, लेकिन ये पूरा अटैच है इसके ऊपर आप देख सकते हो। बैक से भी मैं आपको दिखाऊं तो बैक से आप देखो ये कैसा टॉप है, बहुत प्रिटी क्यूट सा ये कोरियन स्टाइल टॉप है। इसकी स्लीव्स भी देख सकते हो, फैब्रिक भी सॉफ्ट है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये पहन के भी अच्छा लगेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, हर तरफ ऐसे इलास्टिक है तो पूरा फिटेड आएगा। फैब्रिक इज़ ओके, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है टैग वगैरह जो मैं दिखाऊं, बस एक सिंपल सा सिला हुआ सा ये टॉप है, लेकिन जो भी हो जैसा पिक्चर में दिखा एग्जैक्टली सेम लग रहा है, काफ़ी क्यूट सा लग रहा है। इसको फटाफट से वेयर करके आते हो, पता है अब मेरा खुद से पर्सनली इतना मन था कि मैं जब भी कोरियन वाला हॉल करूँगी ना तो यहाँ से वो रिबन लगा के चोटी बना कर रिबन लगा के बैठूँगी, लेकिन मेरे रिबन ही नहीं आए और मुझे हॉल शूट करना था तो मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ। पता नहीं मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा है, एक होता है ना बंदा सोच के बैठा होता है इतना सुंदर बन के बैठूँगी, लेकिन चलो एनीवेज इसको वेयर करके आती हूँ। ये होता है क्यूट टॉप, देख सकते हो कितना प्यारा इसकी लुक एंड फिटिंग आ रहा है। पूरा स्लीव से देख सकते हो आप इसका कहाँ तक की इसकी स्लीव्स है, पूरा नेक पे डिज़ाइन और ये कहाँ तक का इसकी लेंथ है, छोटू से फ्रिल्स वाला ये टॉप है, काफ़ी क्यूट लग रहा है मुझे। जैसा पिक्चर में दिखाया ना एग्जैक्टली गाइस सेम बिल्कुल वैसा ही है, बहुत प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट फैब्रिक, रीजनेबल प्राइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिस रीज़न से मैं तो इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट जो हमारा टॉप है ना वो भी बिल्कुल कोरियन स्टाइल का ही है। अब बार बार कोरियन मैं क्यों स्पेसिफिकली बोल रही हूँ जब पूरा हॉल ही मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया, मैं हुई स्टूपिड। हाँ तो आप देख सकते हो शर्ट वाला स्टाइल कितना बहुत टाइम से चलता आ रहा है यार ये स्टाइल, और ये अब तक इतना इन है कि अंदर कुछ आपने स्पेगडी टाइप पहना होता है और उसके ऊपर ये शर्ट होती है, आप नॉट बांध सकते हो, ऐसे पहन सकते हो, वैसे पहन सकते हो, और ये स्टाइल मुझे लगता है आगे तक कंटिन्यू ही रहने वाला है। और ये मैंने 165 रुपीस की मंगाई है वाइट एंड ब्लैक में, और ये मेरे हाथ में है बिल्कुल सेम वाइट एंड ब्लैक। चलो देखते हैं क्या फैब्रिक है, कैसा आया है यार, नॉट बैड। देखो आप चाहो तो
इन इन वाले टॉप की सबसे बेस्ट पार्ट क्या होती है, आप इनको सेपरेट सेपरेट भी वेयर कर सकते हो। देखो आपको लगता है ये मोटी गरिमा इसमें घुस पाएगी, आपको लगता है, लेकिन मैं इसमें घुस के दिखाऊंगी। देखो गाइज ये मेरा टॉप है, अगर ऐसे टॉप मेरी मम्मी धोके तय करके रखती ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी बेटी तो कभी बड़ी ही नहीं हुई है, बचपन में भी इतनी फ्रॉक पहनती थी और अब भी इतने ही टॉप पहन रही है उनकी बेटी। इसके स्ट्रैप्स जो हैं वो एडजस्टेबल हैं और ये सुपर डुपर स्ट्रेचेबल है कि इसके अंदर मोटी गरिमा तो आराम से आ ही जाएगी। देख सकते हो कितना स्ट्रेचेबल है और बिल्कुल सेम है यार, मुझे काफ़ी अच्छी स्टिचिंग फैब्रिक क्वालिटी लग रही है। शर्ट की बात की जाए तो देख सकते हो ये है शर्ट, बस यार मुझे ना इनका फिट ओवर साइज होता तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये मुझे नॉर्मल फिट की लग रही है। ठीक है वही देख सकते हो, बैक से देख सकते हो, फैब्रिक इज़ ओके, कॉटन टाइप का फैब्रिक है, सही लग रही है मुझे, मतलब वर्थ इट लग रही है मुझे 165 रुपीज़ के हिसाब से, बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा व्हाट से वेयर करके स्टाइल करके दिखाती हूँ। जैसा जैसा हमेशा फिट आता है ना इस ड्रेस का, मतलब इस ड्रेस कह रही हूँ क्या हो गया है मेरे को, जैसा मैंने फिट सोचा था ना इसका पहन के, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसा ही आया। आप देख सकते हो क्रॉप टॉप जैसा है, ऊपर से शर्ट आप अलग से वेयर कर सकते हो, लेकिन मैं सोचूँ अगर हम साइज़ अप कर लेंगे ना, अगर मैंने शायद स्मॉल मंगाया, अगर मैंने इसको मीडियम या लार्ज मंगाया होता ना, तो अंदर वाले टॉप की तो हम ऐसे सिलाई दे के फिटिंग दे देते हैं। ठीक है एडजस्टेबल स्ट्रैप है तो कोई चक्कर ही नहीं पड़ता, हमें शर्ट लूज मिल जाते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल ना ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल फिटेड ये शर्ट आई है मुझे, बैक से भी आप देख सकते हो इसकी शर्ट कहाँ तक है, अंदर का टॉप कहाँ तक है। ठीक है तो ये थोड़ा सा एक हैक हम इसमें कर सकते हैं ऑर्डर करते समय, कि हम बिल्कुल एक्सेल साइज मंगा ले, शर्ट हमें ढीली ढाली मिल जाएगी, क्रॉप टॉप हम अपने हिसाब से फिटिंग करा लेंगे, बहुत अच्छा मिल जाएगा क्योंकि फैब्रिक बहुत अच्छा है और जिस प्राइस में ये मिल रहा है वो बिल्कुल टोटली वर्थ इट है। मुझे तो बहुत पसंद आया, कलर कॉम्बिनेशन जैसा दिखाया है वैसा ही आया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसके लिए थम्स अप। नेक्स्ट हमारा इसका नेम पे लिखा हुआ है ऑफिस वियर टॉप, पिक्चर में देखो इसमें दो कलर के ऑप्शन है, ब्लैक एंड वाइट। मैंने ब्लैक मंगवाया है, 237 रुपये का ये टॉप है, और मैंने सोचा था अगर ये अच्छा आया तो मैं इसका वाइट ज़रूर मंगाऊँ, क्योंकि वाइट टॉप्स बहुत नीड हो जाती है यार वाइट की, और मेरे पास ब्लैक में बहुत सारे टॉप है वाइट में नहीं है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैंने वाइट पे क्यों नहीं मंगाया, ब्लैक क्यों मंगाया। चलो देखते हैं 240 रुपये के हिसाब से कैसा ये टॉप है, यार सही लग रहा है मेरे को। सी देखो ये टॉप नेक पे इलास्टिक लगी हुई है, स्लीव्स आप इसकी देख सकते हो, ये इसकी स्लीव्स हैं और यहाँ पे भी इसमें थोड़ी सी आपको इलास्टिक मिल जाएगी। बैक से मैं आपको दिखाऊं तो बैक से आप देख सकते हो कैसा ये है, और ये जो इसकी डोरियाँ लटक रही है ना, मतलब ये दोनों तरफ जो लटक रहा है ना, ये आपकी वेस्ट पे जाके ना पीछे पूरा ऐसे बंधेगा। ठीक है तो पीछे से लुक कुछ ऐसा आएगा इसका बनने के बाद। ठीक है और ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, पास से आप देखो ना, आप फैब्रिक की क्वालिटी और स्टिचिंग देख के समझ पाओगे क्या क्वालिटी है क्या स्टिचिंग है, काफ़ी सही लग रहा है मुझे 280 रुपये के हिसाब से। बाकी मैं वियर करके पूरा इसका फिट और लुक और दिखाती हूँ और कुछ ढूंढ ढूंढ के कमियाँ बताती हूँ, अगर हुई नहीं हुई तो ये बहुत अच्छा टॉप है, फिर तो वियर करके आती हूँ। जैसा मैंने इस टॉप से एक्सपेक्ट किया था ना, ये बिल्कुल वैसा ही आया है, क्रॉप टॉप। इसकी स्लीव्स आप देख सकते हो कहाँ तक की मुझे इसकी स्लीव्स आई हैं, लेंथ आप इस टॉप का देख सकते हो, नेक से देख सकते हो क्या इसकी शेप आएगी। मैं बैक से दिखाऊँ आपको तो बैक से भी आप देख सकते हो कि वो चीज़ आके बंधेगी और फिर यहाँ से आपका ऐसे पूरा बैक दिखेगा, क्या फिटिंग रहेगी क्या शेप रहेगी, और मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। मैं डेफिनेटली कुछ वाइट का जिसका जो दूसरा वाइट कलर है वो मंगा लूँगी, क्योंकि ऐसे टॉप ना बहुत अच्छे लगते हैं कि अगर आपने ऐसे लूज फिट की जीन्स के ऊपर पहने हैं तो भी, अगर आपने इसको पहना है लॉन्ग स्कर्ट के साथ उन सब के साथ भी बहुत अच्छे से ये मर्ज हो जाते हैं मतलब स्टाइल मर्ज जाते हैं, हाँ मतलब अच्छे लगते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ गोल्डन वॉल के आगे, क्योंकि ब्लैक ब्लैक पर दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि ब्लैक पर ब्लैक दिखा रहे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसा इसका पूरा लुक फिट है, फैब्रिक नाइस है, फिटिंग बहुत अच्छी है। इसका वाइट कलर भी मैं मंगाऊंगी, काफ़ी अच्छे से स्टाइल हो जाएगा, डांस वांस वीडियोस में पहनने के बहुत काम आता है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, थम्स अप। नेक्स्ट है हमारा काउ प्रिंट टॉप जो मुझे मिला है 270 रुपये का। अब आप पिक्चर में देख सकते हो, अब हम देखते हैं कि ये कैसा आया है। मैंने ना ऐसे ही देख के पहचान लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो अच्छा काम किया है मीशो ने कि अपनी पॉलीस को ट्रांसपेरेंट बनाना शुरू कर दिया है। सी गाइस ये है हमारा काउ प्रिंट टॉप, देख सकते हो वैसे नेक यहाँ है और यहाँ पे आपको एक कट आउट मिल जाएगा,
थोड़ा सा ढीला मुझे लग रहा है ये, ठीक है, कमर से स्लीव्स देख सकते हो, बैक से देख सकते हो, जैसा पिक्चर में दिखाया है तो ये मतलब लुक वाइज वैसा ही। फैब्रिक इज ऑल्सो नाइस, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, ठीक है, सही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा फिटिंग वाला इशू तो मुझे लग ही रहा है, होगा, बाकी आप पास से पूरा फैब्रिक और स्टिचिंग वगैरह देख सकते हो क्या है क्या नहीं। चलो फटाफट से मैं गाय बन के आती हूँ। गाय लग रही है या नहीं लग रही स्टॉप को पहन के? गाइस पूरा फिट आपके सामने है, कैसा लग रहा है मुझे? मैंने कहा था ना मुझे यहाँ से हल्का सा लूज आएगा, इतना लूज भी ऐसे काफ़ी लोगों को ठीक है, कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा, लाइक हल्का सा मैं फिटिंग चाहूँगी कि हल्का सा यहाँ से फिट हो तो ही पूरा वैसा लुक आएगा जैसा पिक्चर में दिखाया है। कट आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम वैसा ही है, स्लीव्स पूरी आप लेंथ में देख सकते हो कहाँ तक की है, बैक से भी आप देख सकते हो कहाँ इसकी लेंथ है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा पहनने में मज़ा आ रहा है। इसका जो ब्लैक कलर है ना वो भी बिल्कुल जेट ब्लैक कलर है, इसलिए वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है। कटआउट आप देख सकते हो कहाँ कितना डीप है कटआउट है, लेंथ वाइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मुझे बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल अच्छी फिटिंग आ रही है, बस हल्का सा यहाँ से लूज है, एक हल्की सी सिलाई लगा के बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिस वजह से मैं इसको देती हूँ थम्स अप। मीशो से वीडियो बनाई है, थोड़ा लोचा ना हो पॉसिबल ही नहीं है। वाह क्या राइम कर रहा है ये, पिक्चर में देखो गाइस आप, 3 pieces letter graphic drop shoulder tee मैंने मंगवाई है, 3 pieces, ठीक है, 401 rupees की है, ये है पैकेट और मुझे सिर्फ 2 pieces रिसीव हुए हैं, मेरा 1 piece मुझे 2 मीशो, दिस इज वेरी नाइंसाफी भाई। 400 rupees दिए मैंने 3 t-shirt के और मुझे मिली है 2 t-shirt, 200 rupees की t-shirt पड़ रही है मुझे ये क्रॉप, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मैंने बहुत ढूंढा भाई अंदर से पैकेट में, लिटरली घुस घुस के तीसरी t-shirt ढूंढ रही थी मैं, नहीं मिली, ये 2 मिली हैं, मेरी ब्लैक टी शर्ट वो खा गए हैं। चलो एनीवेज ये है ब्राउन कलर की, अब देखो इसकी स्लीव्स इन्होंने प्रॉपर दी है, उससे तो आप समझ ही गए होंगे, पहली जो मैंने सबसे पहली पहनी थी ये क्रॉप जैसे मैंने पहनी है ना, ये बिल्कुल उसी स्टाइल की है, ठीक है, लॉस एंजलिस लिखा हुआ है और कलर भी आपको पता है आजकल कितना ज़्यादा इन है ब्राउन कलर, पीछे से बिल्कुल प्लेन है। मैंने पहले इसीलिए साइज ना एम मंगवाया है सेफर साइड रहने के लिए, कि मैं स्मॉल मंगा के इससे ना रहूं, बड़ा साइज मंगवाती हूँ तो मुझे एटलीस्ट लूज सा पड़ा रहेगा, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये है दूसरी, जैसे पिक्चर में दिखाई है स्माइली वाली बेज कलर की, बिल्कुल वैसी टी शर्ट है, फ्रंट से बैक से पूरा आप देख सकते हो, क्रॉप्ड है, वही साइज है। ये पैक ऑफ 3 था यार, मेरे को पता नहीं क्यों इन्होंने ब्लैक नहीं दी, इतनी खुश हो जाती मैं, और मैं लिटरली इसके इतने अच्छे अच्छे टिप्पणियाँ देती और आप लोगों को बोलती कि ले लो 400 में 3 t-shirt बहुत सही मिल रही हैं, लेकिन कोई नहीं 400 में मुझे तो 2 मिली है, मंगा के देख लेना आप, क्या पता आपका लक अच्छा और आपको 400 में 3 मिल जाए, वी अगर क्या आती हूँ। ये देख सकते हो आप इसका पूरा लुक, इसका फिट कहाँ तक आ रहा है, फैब्रिक बहुत स्मूथ है। अब जैसा पिक्चर में दिखाया है लग तो ये पहन के वैसा सा ही रहा है, मुझे बस 3 के बजाय उन्होंने 2 दे दिया और इस बात को मैं 100 बार गा चुकी हूँ। बाकी फैब्रिक इज ओके, प्रिंट इज ओके, मतलब क्वालिटी ऑफ द प्रिंट। बाकी आप बैक से भी देख सकते हो कहाँ तक मुझे ये आ रहा है, ये क्रॉप कैसा लग रहा है, स्लीव से भी आप देख सकते हो, ठीक है, वैसे तो मुझे ओके ही लगा। इसका दूसरा वाला भी पहन के दिखाती हूँ, देख सकते हो यह है इसका दूसरा कलर, फिट वाइज सेम है, लुक वाइज सेम है, जैसा पिक्चर में दिखाया था वही प्रिंट है, बाकी आप देख सकते हो, मैंने भी पहन के पूरा दिखा दिया है क्या है कैसा है, ठीक लग रहा है मुझे यार, 3 मिल जाते तो मज़ा आ जाता, फैब्रिक इज़ ओके, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, वैसे तो बहुत कंफर्टेबल है, घर वगैरह में पहनना हो या ऐसी कैजुअली आउटिंग में जाना हो तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे ये, बस थोड़ा सा फ्रॉड कर दिया इन लोगों ने यार, इसलिए मैं इनको थम्स अप नहीं दूंगी, बाकी तो सब कुछ बता ही चुकी हूँ मैं इनको। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो हमारा टॉप है ना ये वाइट कलर में मैंने मंगाया और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, ये 225 rupees का है, अगर ये अच्छा आया ना तो आप इसको एज अ ब्लाउज भी वेयर कर सकते हो, लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ भी पहन सकते हो, मैंने ये सोच के मंगाया और बहुत सारे कलर ऑप्शन है, मैंने कहा वाइट अच्छा निकला तो 1-2 कलर तो मैं पक्का मंगा ही लूंगी। सी गाइस ये है टॉप और ये काफ़ी बहुत ही प्यारी क्वालिटी है, बहुत सॉफ्ट है ये, मैंने साइज स्मॉल मंगाया, इन्होंने यहाँ लगाया है इसका टैग, ठीक है तो ये स्लीवलेस, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, देखो है तो ये स्लीवलेस और ऊपर से ये चीज़ ऐसे इसमें डली हुई है,
वी नेक है इसका, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ आपको फ्रिल्स मिल रही है। पैसा वसूल टॉप लग रहा है गाइस, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है इसकी, देख सकते हो कितना स्ट्रेचेबल भी है टॉप, काफ़ी अच्छा है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका रेड वेड ब्लैक ब्लैक कलर ले सकते हैं, लॉन्ग स्कर्ट के साथ पहना हुआ बहुत अच्छा टॉप लगेगा। फटाफट से वेयर करके आती हूँ गाइज। ये है आपके सामने टॉप, पूरा देख सकते हो, मुझे काफ़ी पसंद आया, सॉफ्ट सा फैब्रिक है, फिटिंग वाइज आप देख सकते हो कितनी इसकी लेंथ है, कहाँ तक इसके फ्रिल्स आ रहे हैं, साइड से देखने में कैसा लगने वाला है, बैक से आप पूरा देख सकते हो कैसा ये टॉप है, कहाँ तक का क्रॉप है, कितना ये स्ट्रेचेबल है, ये सब आपके सामने है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये पूरा फ्रिल्स, पूरा क्यूट सा कोरियन स्टाइल वाला ये टॉप। इसके काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं, मैं एक दो तो पक्का मंगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वाइट कलर, इसके लिए मैं देती हूँ इसको थम्स अप। नेक्स्ट मैंने मंगाई है एक डीप नेक सिंगल स्ट्रिप बैकलेस काइंड ऑफ टी शर्ट है, आप पिक्चर में देख सकते हो, 171 रुपीज़ की मैंने ब्लैक मंगाई है। काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा मंगा के देखते हैं। मैंने कुछ इस तरीके की चीज़ें मीशो से नहीं मंगाई हैं, तो देखो ये है फ्रंट, ठीक है, गला बहुत छोटा है फ्रंट का, स्लीव्स भी आप देख सकते हो कितनी छोटी हैं, एंड दिस इज़ बैक, पूरा इतना बड़ा सा गोला, और जब ये पूरा खिंच के पहनोगे तो बैकलेस हो जाएगी और ज़रा सा नीचे ही आएगा। फैब्रिक इज़ ओके, ठीक है, 171 रुपीज़ के हिसाब से लुक तो बिल्कुल सेम लग रहा है। मैं वीआ करके देखती हूँ क्योंकि मुझे आगे की ये वाली चीज़ काफ़ी छोटी लग रही है, अब स्ट्रेचेबल हो के कितना क्या फिट में आ रहा है वो पहन के ही पता चलेगा, तो चलो क्विकली वीआ करके आती हूँ। गाइज आप देख सकते हो इसका पूरा लुक, इसका फिट, इसका स्टाइल कैसा है, ये पूरा बैकलेस टॉप है तो बैक से पूरा ऐसा दिखने वाला है आपको, ठीक है। फिटिंग वाइज मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है कि जो भी इसकी फिटिंग है उस अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, स्टाइलिश सा पीस है, फैब्रिक भी ओके है। देख शोल्डर्स से मुझे थोड़े छोटे लग रहे हैं कि शोल्डर्स इसके बहुत ज़्यादा चढ़े हुए आ रहे हैं, मे बी वो इस वजह से जो पीछे इन्होंने डोरी लगाई है ना ये थोड़ी टाइट है, ये हल्की सी लूज होती ना तो मेरे शोल्डर्स बिल्कुल थोड़े बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आते। वैसे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत डिसेंट सा टॉप है, जैसा पिक्चर में डिसेंट तो नहीं है, फ्रंट डिसेंट है, पीछे से तो पूरा इट्स बैकलेस इतना गंदा बैकलेस बोला मैंने, वैसा सा है ये, ठीक लग रहा है मुझे तो, और अकॉर्डिंग टू प्राइस जैसा आया है बिल्कुल वैसा ही, तो मैं इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट मैंने एक टैंक टॉप मंगाया, इतना क्यूट उस पर डायनासोर बना था पिक्चर में देखो, 220 रुपए का ये टैंक टॉप है, इसमें तीन कलर के ऑप्शंस थे, वाइट, मस्टर्ड एंड ब्लैक, मैंने वाइट मंगाया है। 220 के हिसाब से थोड़ा महंगा लग रहा था लेकिन क्यूट लग रहा था, मैंने सोचा मंगा के देखते हैं, और जो आया है ना वो है ये। मुझे ना जो चीज़ नहीं पसंद आई है वो है जो ये प्रिंट हुआ है ना, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 220 रुपए इस टिड्डे से प्रिंट के दे रही हूँ, ओवीज बनियान के, और टैंक टॉप मींस बनियान ही ना, लेकिन फिर भी यार ये प्रिंट अगर छी, इतना गंदा प्रिंट है देखो, इतना गंदा खसड़ खसड़ आवाज़ आ रही है, बाकी देख सकते हो ये है टॉप, प्रिंट बहुत स्मूथ और रिच होता ना तो 220 रुपए इसके पूरे वसूल थे, प्रिंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको वियर करके दिखाती हूँ। देखो गाइस पहनने के बाद आपको दिख ही रहा होगा कि कैसा सा फीका सा वाइट आ रहा है, अगर ये कैमरा जस्टिस कर रहा होगा तो देख सकते हो अंदर पूरा सी थ्रू टाइप का, ये प्रिंट भी अच्छा नहीं है, फिटिंग में भी बहुत टाइट आ रहा है मुझे, फैब्रिक भी मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, अजीब सा लग रहा है, मतलब देख सकते हो आप मुझे यहाँ अंडरआर्म होल भी देखो ना पूरा कहाँ ये चढ़ा हुआ है मुझे, वो बात अलग है कि वैसे फिटिंग मुझे अच्छी आ रही है, नेक भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, ये आर्म होल वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टाइट है, और फैब्रिक भी एक बारी को मैं ओके मान लूँ अकॉर्डिंग टू प्राइस कि इतना बुरा नहीं है, सॉफ्ट ये है ठीक है, लेकिन जो ये प्रिंट है ना ये बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रिंट है, इसमें तो मैं मुझे इस प्रिंट की वजह से बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, अब इग्नोर, नेक्स्ट दिखाती हूँ। लास्ट हमारा जो टॉप है वो भी टैंक टॉप एक बनियानी है, और ये 300 रुपए की है, मेरे को तो दिल में दर्द होने लगा, मैंने क्या सोच के मंगाई थी ये, पिक्चर में देखो नियॉन कलर की है, कैलिफोर्निया लिखा हुआ है इसमें, वाइट और ब्राउन एंड पिंक तीन कलर के और ऑप्शंस हैं, लेकिन देखते हैं भाई साहब प्लीज़ 300 रुपये वर्थ इट, गाइस पन्नी तो बहुत हैवी ड्यूटी रिसीव हुई है, दिल में धक धक हो रही है। थैंक गॉड इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, एटलीस्ट प्रिंट के चक्कर में तो मैंने इतने पैसे डाले, 300 रुपए का ये टैंक टॉप है, कलर की वजह से भी मैंने थोड़ा मंगाया क्योंकि अलग सा नियॉन है, मैंने नियॉन मुझे लगता है मुझे नियॉन से भी ऑब्सेशन है, मैं नियॉन पहन के भी बैठी हूँ, मतलब ग्रीन सा प्रिंट इसका बहुत अच्छा है, मतलब जैसा पिक्चर में दिखाया है वैसा ही इसका प्रिंट है, देखो ये वाला प्रिंट कहती मैं, सॉफ्ट प्रिंट और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है, माना जो इसका फैब्रिक है ना वो पिक्चर साइड में लगी हुई है और उससे आप देखो
थोड़ा सा डिफर तो है ही लाइनों में, उसका फैब्रिक ना और भी ज़्यादा पतला है, लेकिन मैंने देखा है मीशो अमेजोन से अगर मैं टैंक टॉप मंगाऊँ या मिंत्रा से टैंक टॉप मंगाऊँ इसी वाले फैब्रिक के आते हैं। और जो ये पिक्चर में टैंक टॉप दिखा रहा है ना, ये आपको ये वाली फैब्रिक मतलब ये वाली क्वालिटी एग्जैक्ट सेम क्वालिटी ना आपको मिंत्रा सॉरी ज़ारा H&M अर्बैनिक पे ही मिलती है। तो चलो फिर भी 300 रुपये के हिसाब से इसको वेयर करके तो दिखाई देती हूँ। नॉट बैड गाइस, पहनने के बाद ये बहुत सही लग रहा है, फैब्रिक वाइज फिट वाइज कलर वाइज जो मैंने बिल्कुल सोच के इसको मंगाया था ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, मुझे वर्थ इट लग रहा है। बाकी टैंक टॉप्स बनियान वाले टॉप्स अगर मैं बाकी साइड से भी लूँ तो इतने के इससे ज़्यादा के ही मिलते हैं, 300 का तो फिर भी नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत क्यूट लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ इसको पहन के, फैब्रिक वाइज प्रिंट वाइज फिट वाइज जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। इसके लिए तो मैं इसको ज़रूर देती हूँ थम्स अप। सो गाइज दैट्स इट, ये थे मेरे आज के कोरियन स्टाइल टॉप्स समर एडिशन। आई होप आपको अच्छे लगेंगे आज के मेरे ये टॉप, क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से, सारे बजट वाले मेरे टॉप थे। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको सबसे अच्छा क्या लगा, नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, मैंने बहुत कुछ इससे तो आपके लिए प्लान किया हुआ और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी आगे की वीडियोज़ भी प्लान कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बताना मैं क्यूट लग रही हूँ ना आज या नहीं लग रही हूँ, क्यूट बन के भी दिखा देती हूँ ठीक है, बन गई बहुत ज़्यादा क्यूट। तो चलो भर भर के कमेंट्स कर देना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बस इसी तरीके से आप मेरी पूरी वीडियो देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबका प्यार बटोरने के लिए। तो गाइस जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू, ढेर सारी चुम्मियाँ।